नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारी सीरीज हमें भी ऐसा ही बनना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने एम्स हॉस्पिटल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की। हम में से शायद ही कोई इससे अनजान हो, क्योंकि ये भारत का सबसे फेमस हॉस्पिटल है और जहाँ सभी बीमारियों का इलाज संभव है। इस अस्पताल में अनेक मशीनों और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। इसका नाम भारत के नंबर वन हॉस्पिटलों में आता है। क्या आप लोगों को पता है कि इस हॉस्पिटल की ओपीडी का नाम राजकुमारी अमृत कौर क्यों रखा गया है? मैं आपको बता दूं, जहां आज के समय में लोगों को अपनी छोटी सी छोटी चीज किसी को देने में कई बार सोचना पड़ता है, वहीं आजादी के उस दौर में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया था। आज की मेरी फ्रीडम फाइटर हैं राजकुमारी अमृत कौर, जो एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने देश के लिए अपना बहुत योगदान दिया था। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा हरनाम सिंह और माता का नाम रानी हरनाम सिंह था। इनके पिता कपूरथला पंजाब के राजा थे। आजादी की लड़ाई में इन्होंने भी अहम योगदान दिया था। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने ठान लिया कि ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर रहेंगी और अपने माता पिता के मना करने के बाद भी देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। 1930 में दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ओपीडी का नाम राजकुमारी अमृत कौर क्यों रखा गया, ये तो बताया ही नहीं। मैं आपको बता दूं, इस हॉस्पिटल की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए इन्होंने न्यूजीलैंड, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से फंडिंग का इंतजाम किया था। यहाँ तक कि इसके लिए इन्होंने अपना शिमला के पैतृक मकान को भी एम्स के लिए दान में दे दिया था। बस इसीलिए आज भी राजकुमारी अमृत कौर का नाम एम्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक राजघराने में जन्म लेकर विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सभी सुख सुविधाओं के जीवन होने के बाद भी इन्होंने देश प्रेम को सर्वप्रिय माना और देश की खातिर कठिन जीवन को अपनाया। है ना बात हैरान कर देने वाली? ये होता है देश प्रेम, जो आजादी के उस दौर में प्रत्येक महिला और पुरुष में कूट कूट के भरा था। इन लोगों के बारे में जानकर अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही देश प्रेमियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद।